तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। और आज हम इस एनिम का सेकंड एपिसोड देखेंगे, तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस अप्सरा को देखते हैं जो कि आसमान में से जियांग को बचाने के लिए वहां पर आ गई थी। फिर ये अप्सरा जियांग से कहने लगती है कि अब तो तुम बहुत खुश हो गए, बहुत सारी लड़कियां तुमसे प्यार करने लगी है। ये सुनकर जियांग इस अप्सरा पर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उसे कहने लगता है कि क्या खुश होऊंगा मैं, सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ी है, सभी मुझे मारने पर तुले हुए हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मारा जा सकता हूँ और मेरे पेरेंट्स भी मुझे घर से निकाल देंगे। फिर ये अप्सरा जियांग से कहने लगती है कि ऐसा नहीं है कि किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो सकता, तुम जब तक उन लड़कियों के साथ निभा सकते हो तुम निभाओ, फिर जब इस चॉकलेट का असर खत्म हो जाएगा तब तुम आजाद हो जाओगे। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि सभी लोग जियांग के पीछे पड़े होते हैं और जियांग अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जियांग एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। पेड़ के पीछे छुप कर वो दूसरी और तीसरी लड़की को देख लेता है, लेकिन वो पहली वाली लड़की को नहीं देखता। इससे जियांग बहुत टेंशन में आ जाता है कि उस लड़की ने कभी सुसाइड तो नहीं कर ली। इसके बाद हम इस लड़की को देखते हैं जो कि टेरिस पर होती है और ये लड़की बहुत ज्यादा रो रही होती है। हम देखते हैं कि इस लड़की का नाम माई होता है। ये वही पहली लड़की होती है जिसने जियांग को कहा था कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं कि टेरिस पर जियांग भी आ जाता है। फिर जियांग माई से कहने लगता है कि मेरे साथ एक जगह पर चलो। हम देखते हैं कि जियांग माई को एक हॉस्पिटल में ले आता है ताकि वो पता कर सके कि माई प्रेग्नेंट है या नहीं। इन दोनों को देखकर वहां पर बैठे सभी लोग बातें बनाने लगते हैं कि आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, ये छोटी छोटी उम्र में ऐसी कैसी गंदी हरकतें करने लगे हैं। तभी हम देखते हैं कि माई जियांग के कंधे पर अपना सर रख लेती है। माई को देखकर जियांग की फीलिंग पूरी तरह से बदल जाती है। माई को देखकर जियांग पूरी तरह से शर्मा जाता है और कहने लगता है कि ये कितनी प्यारी है। तभी एकदम माई जियांग से कहने लगती है कि क्या तुम मुझे रिजल्ट दिखाने के लिए यहाँ पर लाए हो? इस पर फिर जियांग कहता है कि हाँ। इससे माई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जियांग से कहने लगती है कि मैं जानती थी आप मेरी बहुत केयर करते हैं, आप फ्यूचर में बहुत अच्छे फादर बनेंगे। इससे जियांग का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका होता है और बहुत शर्मा रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर नर्स आ जाती है और माई से कहने लगती है कि आपकी रिपोर्ट आ गई। हम देखते हैं कि रिपोर्ट में आता है कि माई प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनकर जियांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के हमारे बच्चों की तरह कूदने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ये रिपोर्ट देखकर माई बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। फिर माई जियांग से कहने लगती है कि ये सब मेरी गलती है, अगली बार मैं प्रेग्नेंट होने की पूरी कोशिश करूंगी। तभी हम देखते हैं कि माई जियांग के बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है और इसे देखकर वहां खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं जो कि शर्म के मारे पूरी तरह लाल हो चुका होता है और माई से कहने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर ही भेज दूं, यही बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार को पूरी बात बता दूं तो बेहतर रहेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि माई जियांग को अपने घर पर ले जाने लगती है। हम देखते हैं कि माई का घर बहुत बड़ा होता है, इसे पता चलता है कि माई बहुत ज्यादा अमीर है। वहीं दूसरी तरफ माई का घर देखकर जियांग के चेहरे के तो पूरी तरह से शौक उड़ जाते हैं और वो कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि माई इतनी अमीर है। फिर माई जियांग से कहने लगती है कि मुझे अभी तक याद है तुम उस दिन मुझे प्रपोज करने आए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों घर के अंदर जाने लगते हैं। तभी माई की मेड वहां पर आकर घर का दरवाजा खोल देती है और जियांग को देखकर माई से पूछने लगती है कि ये कौन है। माई बताने ही लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है कि जियांग उसका मुंह बंद कर देता है। फिर जियांग मेड को बताने लगता है कि मैं बस इसका क्लोज फ्रेंड हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग माई के घर के सोफे पर बैठा होता है और उसके सामने माई की मेड भी खड़ी होती है। तभी जियांग मेड से कहने लगता है कि क्या इसका मतलब माई यहाँ पर अकेले ही रह रही है? फिर मेड कहते हैं कि हाँ, माई के डैड घर पर कम ही आते हैं, वो सिर्फ बिजनेस में ही बिजी रहते हैं, बस इसलिए मुझे माई के लिए बहुत दुख होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एकदम माई का बॉडीगार्ड आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे अभी अभी स्कूल से फोन आया है, इस लड़के का नाम जियांग है, इसका माई मैडम के साथ कुछ लफड़ा चल रहा है। तभी स्कूल के सभी लोग इसको ढूंढने में लगे हुए हैं। जियांग का नाम सुनकर माई की मेड पूरी तरह से कंफ्यूजन में पड़ जाती है और सोचने लगते हैं कि ये नाम तो कहीं सुना सुना लग रहा है। तभी हम देखते हैं कि जियांग वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद फिर माई के सभी बॉडीगार्ड जियांग को घेर लेते हैं और उसे कहने लगते हैं कि ये कुत्ते कहाँ भाग रहा है। इससे जियांग बहुत ज्यादा डर जाता है और उनसे कहने लगता है कि मैं निर्दोष हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है। फिर माई की मेड कहने लगती है कि इस बदमाश को छोड़ना मत, इसे मारो। तभी हम देखते हैं कि ये बॉडीगार्ड मिलकर जियांग को मारने लगते हैं। जियांग की चीख सुनकर वहां पर माई आ जाती है और कहती है कि रुक जाओ, मेरे जियांग को मत मारो, मैं और जियांग एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन माई के बॉडीगार्ड माई की बिल्कुल भी नहीं सुनते और जियांग को दोबारा से पेलना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि माई के बॉडीगार्ड जियांग को मार मार के उसकी बुरी हालत कर देते हैं। ये देखकर
माई बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और कहती है कि भले ही वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, फिर भी वो मेरा अच्छी तरह से ख्याल रख सकता है, लेकिन मैं उससे शादी करने के लिए पहले से ही राजी हो गई थी। ये सुनकर माई का बॉडीगार्ड जियांग से कहने लगता है कि ये कचरा हमारी मैडम से शादी करना चाहता है। माई दूसरा बॉडीगार्ड जियांग से कहता है कि ये मेंढक हंस का मांस खाना चाहता है, चलो इस कुत्ते को और मारो। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी बॉडीगार्ड जियांग को फिर से मारने लगते हैं। ये देखकर फिर माई कहने लगते हैं कि भले ही मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, लेकिन अगली बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ये सुनकर तो माई के बॉडीगार्ड और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जियांग के सारे कपड़े उतार कर उसको फिर से पेलना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि जियांग की बुरी हालत हो चुकी होती है। फिर जियांग माई से कहने लगता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम जब जब कुछ कहती हो तो तुम्हारे बॉडीगार्ड मुझे पेलना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि माई जियांग का हाथ पकड़ कर वहां से भागने लगती है। हम देखते हैं कि माई जियांग को अपने रूम में ले आती है। माई का इतना सुंदर रूम देख कर जियांग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ माई के बॉडीगार्ड भी वहां पर आ जाते हैं और माई के रूम का दरवाजे को जोर जोर से खटकाने लगते हैं। हम देखते हैं कि माई अपने रूम के दरवाजे के आगे खड़ी हो जाती है और कहने लगते हैं कि नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तभी हम देखते हैं कि जियांग माई के क्लोज आके उसके मुंह के आगे अपना हाथ रख देता है। इसके बाद फिर अचानक से जियांग की नजर वहां पड़े कैलेंडर पर पड़ती है। जियांग उस कैलेंडर को देखकर कहता है कि पिछले साल का कैलेंडर अभी तक यहां पर क्या रखा हुआ है। उस कैलेंडर पर लिखा होता है कि आज के दिन मैंने अपने पापा के साथ खाना खाया, इसलिए आज का दिन सबसे अच्छा दिन है। जियांग इस कैलेंडर को पढ़कर पूरी तरह से सहम जाता है। इसके बाद हम माई की मेड को देखते हैं जिसने माई के डैड को फोन मिला दिया होता है और वो माई और जियांग के रिलेशनशिप के बारे में उसके डैड को बताने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग माई का दरवाजा खोल कर बाहर आने लगता है। जियांग को देखकर माई भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी होती है कि आखिरकार ये क्या करने वाला है। अब हम देखते हैं कि जियांग माई की मेड से वो फोन खींच लेता है और माई के डैड को कहने लगता है कि ओ बुड्ढे आदमी, मैं वही हूँ जिसने तेरी बेटी को प्रेग्नेंट करा, अगर तेरे में हिम्मत है तो मेरे सामने आ। ये देखकर माई की बॉडीगार्ड भी पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, चलो जल्दी से बॉस आने वाले हैं, उनके आने की तैयारी करो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि माई के डैड एक हेलीकॉप्टर में पूरी सेना लेकर वहां पर आने लगते हैं। हम देखते हैं कि गाड़ियों का एक बड़ा काफिला माई की घर की तरफ जाने लगता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उस पर लाइक और कमेंट करना ना भूलना। तो अब हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।